आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टेन क्लास सिक्स डेफोडिल्स की बुक है इंग्लिश की स्टूडेंट उसका ही चैप्टर लिया गया है और बहुत ही ज्यादा फनी और कॉमेडी वाला चैप्टर स्टूडेंट बहुत ही मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में है ना बहुत ही ज्यादा कॉमेडी हुई है इस चैप्टर में ठीक है तो चलो तो देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है ना तो चैप्टर का नाम है क्या अंकर पॉडगर हैंग्स अ पिक्चर एक अंकल पोडगर पोटगर उनकी सरनेम है वो क्या कर रहे हैं एक पिक्चर को दीवार पर हैंग कर रहे हैं एक कील ठोक के है ना एक कील की मदद से वो क्या क्या मदद से और कुछ रस्सी कुछ स्ट्रिंग की मदद से वो क्या करने वाले हैं एक पिक्चर को हैंग करने वाले हैं कैसे ये टास्क को एक कहने में तो एक बड़ा छोटा सा काम है एक पिक्चर ही तो ठोकना एक इंसान भी कर लेगा अकेला लेकिन ये काम बड़े फनी तरीके से यहाँ पर होने वाला है अंकल पोडलर की मदद से है ना तो देखो क्या कुछ होता है स्टोरी में है ना हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज ऑफ हैंगिंग अप अ पिक्चर ऑन द वॉल क्या आपने कभी इस काम में पार्टिसिपेट किया है कि कोई पिक्चर टंगा रहा है वॉल में और आपने कुछ उसमें हेल्प की हो वॉट इज ईजियर टू डू क्या ईजीय करना है हैंगिंग अप अ पिक्चर और मेकिंग अ पिक्चर पिक्चर बनाना आसान है या पिक्चर को हैंग करना टंगाना आसान है ये आपसे पूछा गया है ठीक है चलो आप चैप्टर को देखते हैं बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये एक, -एक लाइन का मीनिंग हम यहाँ पर देखने वाले हैं यू नेवर सॉ सच अ कमोशन आपने कभी नहीं देखा होगा इस टाइप का कमोशन मतलब हलचल है ना इस टाइप की हलचल उथल पुथल कभी नहीं देखोगी अप एंड डाउन अ हाउस ऊपर नीचे घर में उथल पुथल मची हुई है इन ऑल योर लाइफ अपनी पूरी जिंदगी में एज जैसी कि वहन माई अंकल पोडगर अंडर टूक अप जॉब जैसी हलचल मैंने देखी है जब मेरे अंकल जो पोडगर हैं उन्होंने क्या किया एक छोटा सा जॉब अंडर टूक मतलब अपने जिम्मेदारी में लिया है एक छोटा सा काम उन्होंने किया है ना ठीक है उसकी जिम्मेदारी ले एक छोटे से काम की है ना? तो क्या हुआ अ पिक्चर वुड कम फ्रॉम द फ्रेम मेकर जो पिक्चर है वो आ चुकी थी लाई जा चुकी थी कहाँ से फ्रॉम मेकर के घर से जो फ्रेम मेकर सॉरी जो पिक्चर का जो फ्रेम बनाता उस उसने फ्रेम मेकर ने ला दिया था पिक्चर आ चुकी थी वहां से एंड बी स्टैंडिंग एंड बी स्टैंडिंग इन डाइनिंग रूम और वो डाइनिंग रूम में रखी हुई थी है ना वेटिंग टू बी पुटअप अब वो टंगाए जाने का वेट कर कर रही थी वो पिक्चर की उसे टंगाया जाना था ना वेटिंग टू बी पुट अप एंड आंट पोटगर जो आंटर पोटगर है वुड आस्क आस्क वो आ, ask, पूछती है कि, है कि ना क्या पूछती है व्हाट वाज टू बी डन विद इट इसके साथ क्या किया जाना है भाई पिक्चर का क्या करना है भी? ऐसा वो पूछती है इट एंड एंड अंकल पोटगर वुड से और अंकल पोटगर क्या कहते हैं भाई देखो अंकल पोटगर क्या करें ओ यू लीव दैट टू मी तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो पिक्चर का क्या करना है ये सब मुझ पर छोड़ दो अंकल पोडर कह रहे हैं डोंट एनी ऑफ यू वरी योर सेल्फ अबाउट किसी को भी है ना डरने की जरूरत नहीं है चिंता करने की जरूरत नहीं इसके बारे में है ना आई विल डू ऑल दैट मैं ये सब कर लूंगा भाई है ना मैं ये सब कर लूंगा देखो फिल्म वो बात कर रहे हैं इस पिक्चर को टंगाने की इस काम को ऐसा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं तुम चिंता मत करो सब अरे ये सब मैं कर लूंगा इस टाइप से वो बता रहे हैं ना आगे देखो देन और तब ही वुड टेक ऑफ हिस्स कोट अपना कोट उतार देते हैं वो एंड बिगेन और स्टार्ट कर देते हैं काम को ही वुड सेंड द गर्ल आउट फॉर सिक्स पेनी वर्थ ऑफ नेल्स ये क्या करते हैं गर्ल को बाहर भेज देते हैं ना सेंड आउट मतलब बाहर भेज देते हैं फॉर सिक्स पेनी वर्थ ऑफ नेल सिक्स पेनी मतलब सिक्स रुपीज के है ना नेल खरीदने के लिए भेज देते हैं ना खिले लेकर के आओ है ना सिक्स रुपीज उसको देते हैं और नेल खरीद कर आओ एंड दे और तभी उन क्या करते हैं वन ऑफ द बॉयज आफ्टर हर वहाँ पर कुछ बॉयज है, है ना उनमें से एक बॉय को भी उसके पीछे तुरंत ही भेज देते हैं क्यों क्या, भेज देते हैं टू टेल हर वॉट साइज टू गेट उसे बताने के लिए अरे भाई किस साइज का हमें नेल लेकर के आना है सही है ना वो भूल जाते हैं साइज बताना तो तुरंत एक बच्चे को भेजते हैं एक बॉय को और बोलते भाई कौन सा साइज बताना है लाना है उसको बता दो एंड फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन और फ्रॉम देट और तब उसके बाद वो क्या करते हैं धीरे धीरे वर्क डाउन एंड स्टार्टल मैंने काम चालू कर देते हैं एंड स्टार्टल द होल हाउस और पूरे घर को क्या करते हैं सर पे उठा लेते हैं स्टार्टल का मतलब वही डरा देते हैं है ना मैं बहुत बड़ा भयंकर काम करने जा रहा हूं इस टाइप का शो ऑफ वो करते हैं ठीक है फिर क्या होता है देखो ना अब वो क्या बोल रहे हैं यू गो किसी को ऑर्डर दे रहे हैं एंड गेट मी माई हैमर अब तुम जाओ सबको ऑर्डर देते हैं घर के लोगों को है ना ऐसा लग रहा है बड़ा बहुत ही बड़ा भारी काम करने वाली है इस टाइप से है ना नाव यू गो एंड गेट मी माई हैमर अब तुम जाओ और मेरे लिए क्या लाओ हथौड़ा लेकर क्या आओ विल लाओगे कि नहीं ऐसा वो धमका रहे हैं विल ही वुड साउट वो चिल्लाते हैं है ना ऐसा चिल्लाते हुए कह रहे हैं यू एंड यू ब्रिंग मी द रूल तुम मेरे लिए एक स्केल लेकर क्या आओ टॉम एंड आई सेल वॉन्ट द स्टेप लेडर और क्या बोल रहे हैं टॉम को एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम टॉम को क्या बोलते हैं टॉम तुम रूल लेकर के आओ एंड आई सेल वॉन्ट द स्टेप लेडर और मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी स्टेप लेडर की खिड़की की भी ये सीढ़ी की भी जरूरत पड़ेगी एंड आई हैड बेटर आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर टू और ये अच्छा रहेगा कि किचन की जो चेयर है वो भी टू मतलब वो भी क्या यहाँ पर ला दी जाए वो भी अगर हो तो अच्छा रहेगा एंड जिम यू रन राउंड टू और वो जिम को बोल रहे हैं जिम एक लड़का है <clears throat> अपने सारे बच्चों को काम पे लगा दे रहे हैं ना आ, आ, हाँ एंड जिम यू रन राउंड तुम तेजी से जा जाओ थोड़ा सा घूम के आ जाओ कहाँ से मिस्टर टू मिस्टर गॉगल्स गॉगल्स एक अंकल है वहाँ से थोड़ा सा होके आ जाओ एंड टेल हिम और उनसे कहना कि पा गिव्स हिज रिगार्ड कि पापा उन्हें नमस्कार कह रहे हैं ना रिगार्ड दे रहे हैं मेरे तरफ से प्यार कहना एंड होप्स और पापा ये उम्मीद करते हैं कि हिज लैक्स बेटर और कि उनका लेग जो है पैर वो क्या होगा अच्छा होगा ठीक हो गया होगा एंड विल ही लैंड मी हिज स्प्रिट लेवल और वो क्या तुम्हें स्प्रिट लेवल देंगे, देंगे कि नहीं इसके लिए पूछ लेना है ना क्या वो क्या देंगे विल ही लैंड लैंड का मतलब थोड़ा सा उधारी में देंगे क्या उनका स्प्रिट लेवल स्प्रिट लेवल एक ऐसा एक ऐसा कुछ उपकरण होता है या एक पॉइंट बना रहता है उससे हम किसी सरफेस का लेवल चेक करते हैं कि वो सीधे लेवल में है कि नहीं है ना अर्थ से बिल्कुल हॉरिजोटली वो रखी है कि नहीं कोई चीज ठीक है तो वही है उनसे स्पीड लेवल मंगवाते हैं टॉम से ठीक है जिम से जिम से मंगवाते हैं आगे क्या होगा देखो एंड डोंट यू गो मारिया और मारिया तुम कहीं मत जाना है ना बिकॉज क्योंकि आई सेल वॉन्ट समबडी क्योंकि मुझे किसी किसी की तो जरूरत पड़ेगी ना किसके लिए टू होल्ड द लाइट है ना ये लाइट को पकड़ने के लिए मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी मारिया uh, तुम कहीं मत जाना ऐसा वो कह रहे हैं मारिया से ठीक है एंड वैन द गर्ल कम्स बैक और जब वो गर्ल्स कम बैक मतलब वहां से वापस आती है सी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर रॉकॉर्ड है ना सी मस्ट गो आउट उसे फिर से बाहर जाना पड़ता है जो खिले लेने गई थी है ना नेल्स लेने गई थी वो जब अंदर आती है उसे फिर से ले जाना पड़ता है बाहर किसके लिए पिक्चर कॉर्ड के लिए यानी रस्सी के लिए है ना रस्सी जो पिक्चर टंगाने के लिए जरूरत पड़ती है उसको बोला है ना एंड टॉम और टॉम को क्या बोल रहे हैं वेर इज टॉम अरे टॉम का है भाई टॉम यू कम here इधर आओ भाई है ना आई सेल वॉन्ट यू टू हैंड मी द पिक्चर तुम्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मेरे हाथ में पिक्चर को देने के लिए ठीक है वो फोटो मेरे हाथ में देना इसलिए तुम भी तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी ये तो टॉम ये पिक्चर पकड़ के खड़ा है हाथ में दूंगा करके है ना आगे देखो क्या है Then द ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर और इसके बाद वो पिक्चर को उठा उठाते हैं ना फोटो को उठाते हैं एंड ड्रॉप इट और उसे गिरा देते हैं गलती से एंड इट वुड कम आउट फ्रेम और जो फोटो थी वो फ्रेम से बाहर निकल के आ जाती है ना लेकिन उस चक्कर में क्या होता है पता है क्या द ग्लास ट्राई करते हैं किस चीज को ग्लास को बचाने की ग्लास ना टूटे कट हिमसेल्फ और इस चक्कर में अपना हाथ ही काट बैठते हैं काट लेते हैं है ना एंड दे वुड स्प्रिट राउंड द रूम और वो स्प्रिंग स्प्रिंग राउंड स्प्रिंग राउंड मतलब उछल कूदने लगते हैं रूम में आसपास है ना कूद कूदने लगते हैं ना दर्द की वजह से है ना लुकिंग फॉर हिज हैंकर और अपनी हैंडकरचिप मतलब रुमाल को लुक फॉर मतलब ढूंढने लगते हैं ठीक है ही कुड नॉट फाइंड हिज हैंडकर उन्हें उनकी हैंडकर नहीं मिल पाती है बिकॉज इट वॉज इन हिज कोट्स पॉकेट क्योंकि वो उनके कोट के पॉकेट में ही रखी होती है ना विच ही हैड टेकन ऑफ जो उन्होंने शुरू में उतार दिया था एंड डिड नॉट नो और अभी उन्हें पता नहीं है कि वेयर ही पुट इट और उन्होंने इस जैकेट को कहाँ रखा हुआ है ठीक है उन्हें याद नहीं आ रहा है एंड ऑल द हाउस वुड लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिज टूल और सारा का सारा जो घर है वो लीव ऑफ मतलब लग जाता है ढूंढने के लिए उनके टूल्स को सामानों को है ना एंड स्टार्ट लुक और उनका जो कोर्ट है वो भी ढूंढने में सारे के सारे लोग लग जाते हैं क्योंकि उनका हाथ कट गया है रूमाल की जरूरत है रूमाल उनके कोर्ट में रखी हुई है वो बोल रहे हैं भाई रूमाल लाओ है ना वो कोर्ट में रखी हुई है तो सब कोर्ट को ढूंढने लग जाते हैं वाइल ही वो डांस राउंड एंड हिमसेल्फ हिंडर दैम हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना और जबकि सब लोग ढूंढ रहे हैं और इसी दौरान वाइल्ड का मतलब इसी दौरान ही वुड डांस अराउंड वो इधर उधर कूद रहे हैं डांस अराउंड का मतलब इधर उधर कूद रहे हैं ना एंड हिंडर देम और सबको परेशान कर रहे हैं भाई अभी तक नहीं मिला के अरे ढूंढो ना क्या कर रहे हो तुम इस टाइप से एक्सप्रेशन दे ऐसा बोल रहे हैं ठीक है परेशान कर दिया फैमिली को है ना डजेंट और क्या कह रहे हैं देखो क्या करे डजेंट एनी बडी इन द होल हाउस नो वेयर इज माई कोट इज इस घर में क्या किसी को ही नहीं पता क्या कि मेरा कोट कहां रखा है है ना आई नेवर केम अक्रॉस सच अ सेट इन ऑल माई लाइफ मैं कभी अपने लाइफ में है ना इस टाइप की कंडीशन से नहीं गुजरा भाई ऐसी कंडीशन का आमना सामना नहीं करा करना पड़ा अपॉन ऑन माई वर्ड्स आई डिट अपॉन ऑन माई वर्ड्स मतलब मेरे शब्दों के प्रति मैंने मैंने कोई बात कही और कोई अभी तक वो काम पूरा ना हो ऐसा चीज तो मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है ना और क्या कह रहे हैं डिडंट मतलब कभी नहीं देखा सिक्स ऑफ यू तुम छे के छे एंड यू कॉन्ट फाइंड अ कोट और तुम्हें कोट नहीं मिल रहा है दैट आई पुट डाउन नॉट अ जो मैंने उतार के रखा था पांच मिनट भी नहीं है उसे अभी है ना वेल ऑफ ऑल द तुम सबके सब ऐसा कुछ कहने ही वाले हैं वो और आगे क्या हो जाता है देखो देन ही वुड गेट अप ऐसा कहते हैं कुछ और कह रहे हैं और उस समय वो थोड़े से खड़े हो जाते हैं गेटअप खड़े हो जाते हैं है ना एंड फाइंड और देखते हैं उन्हें मिल जाता है दैट ही हैड सी बीन सिटिंग ऑन इट और उन्हें पता चलता है है ना कि वो उसी के ऊपर बैठे हुए थे किसके ऊपर कोर्ट के ऊपर बैठे हुए थे है ना उनसे ये बात ये बात पता चलती है ना एंड वुड कॉल आउट और ये जोर से चिल्लाते हुए बुलाते हैं ना कॉल आउट मतलब बुलाते हैं जोर से चिल्लाते हैं क्या कहते हैं ओ यू कैन गिव इट अप अरे उसे जाने दो है ना आई हैव फाउंड इट सेल्फ नाउ अब मैंने खुद ही इसे ढूंढ लिया है ऐसा वो कह रहे हैं माइट जस्ट एज वेल और फिर क्या कह रहे हैं माइट जस्ट एज वेल आक्स द कैट टू फाइंड एनी थिंग देन एक्सेप्ट यू पीपल टू फाइंड तुमसे अच्छा तो किसी कैट से उम्मीद की जा सकती है कि वो कुछ ढूंढ के दे दे पर तुमसे नहीं की जा सकती ऐसा वो कह रहे हैं ठीक है आगे क्या होता है एंड वेन हाफ एन आवर हैड बीन स्पेंड और जब कम से कम आधा घंटा बीत जाता है, है ना क्या हो जाता है बीत जाता है इन ट्राइंग अप हिज फिंगर अपनी फिंगर को संभालते हुए अपनी फिंगर को मतलब रुमाल वगैरह बांध के थोड़ा ठीक होने के लिए कम से कम आधा घंटा बीत जाता है एंड अ न्यू ग्लास हैड बिन गॉट और इसी बीच में क्या कर किया जाता है एक नया वाला ग्लास जो कांच है वो मंगाया जाता है लाया जाता है है ना एंड द टूल्स और पूरे टूल अरेंज किए जाते हैं एंड द लेडर लेडर लगाई जाती है एंड द चेयर चेयर भी वहाँ पर लगाई जाती है एंड द लालटेन जो लालटेन है वो दिखाने के लिए वो भी तैयार किया जाता है ड बिन ब्रॉड वो सब चीज लाई जाती है ही वुड हैव अनादर गो उसे और एक बार जाना था मतलब और एक बार काम पे लगना था फिर से एक बार ट्राई करना था ठीक है देन होल फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल और पूरी पूरी जो फैमिली है है न किस किस को लेके जिसमें गर्ल भी है उनकी है ना एंड द चार वूमन चार वूमन मतलब काम वाली बाई जो मेड है वो भी है लगी हुई है स्टैंडिंग राउंड इन अ सेमी सर्कल ये सबके सब एक आधा सर्कल बनाकर है ना आस पास खड़े हैं रेडी टू हेल्प है ना हेल्प करने के लिए सब तैयार खड़े हैं बिल्कुल अंकल पोटगर की है ना टू पीपल वुड हैव टू होल्ड द चेयर दो लोग की जरूरत थी चेयर पकड़ने के लिए एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम अप इट और एक की जरूरत थी थर्ड पर्सन की जरूरत थी क्या कि उन्हें क्या करें हेल्ड हिम अप इट मतलब चेयर के ऊपर चढ़ाने के लिए एक की जरूरत थी उन्हें अंकल पोटगर को एंड होल्ड हिम देयर एंड होल्ड हिम देयर और उस, उन्हें वहां पर होल्ड करके रखे पकड़ के रखे एंड अ फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल और फोर्थ बंदे की चौथे बंदे की जरूरत क्या थी कि उनके हाथ में वो खिला देगा है ना किल देगा नेल देगा एंड अ फिफ्थ वुड पास और पाँचवें बंदे की पाँच पाँचवें इंसान की जरूरत थी कि पास हिम अप दैमर उनके हाथ में हैमर पास कर देगा हैमर दे देगा एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप इट ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल वो नेल को हाथ में पकड़ते हैं एंड ड्रॉप इट उसे गिरा देते हैं ना उनके हाथ से गलतियां होते जा रही पहले तो पिक्चर को गिरा दिया अब किसी ने उनके हाथ में नेल नेल दिया तो नेल को भी दे आर ही वुड से वो कहते हैं वहां इन एन इंजर्ड टोन बिल्कुल कराते हुए इंजर्ड टोन में कह रहे हैं बिल्कुल है ना द नेल इज गॉन अब नेल घूम चुका था नेल दिख नहीं रहा था खिला घूम चुका था एंड वुड ऑल ये बच्चा बता रहा है अपने अंकल के बारे में कि अपनी अब एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन अवर नीज हम सबको अब जरूरत थी कि हम अपने नीज पर हो जाए घुटने पर हो जाए एंड ग्रोवल फॉर इट और थोड़ा सा हम रहेंगे थोड़ा सा ग्रोवल करें ये नेल को ढूंढने के लिए नीचे ठीक है घुटनों के बल हो जाए और ढूंढने के लिए ग्रोवल करना पड़ रहा था रेंगना पड़ रहा था क्रॉल करना पड़ रहा था ना वाइल जबकि ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर जबकि अंकल स्टैंड खड़े थे चेयर के ऊपर एंड ग्रंट और गुरघुर कर रहे थे अरे कहाँ मिला मिला क्या कैसा कर रहे ये वो है ना एंड वॉन्ट टू नो और ये जानना चाहते थे इफ़ ही वॉच टू बी कैप्ट देर ऑल इवनिंग क्या उन्हें क्या उस चेयर पर पूरी शाम तक खड़ा रहना पड़ेगा क्या ऐसा वो कह रहे हैं अरे नेल भी खुद ने घुमा दिया वो ढूंढ रहे हैं सबके सब लोग नीचे एक तो लाइट नहीं है क्योंकि लालटेन का यूज़ किया जा रहा है ना और छोटा सा किला ढूंढने में टाइम लग रहा है तो ये सब चिल्ला रहे हैं भाई अभी तक मिला नहीं क्या नेल क्या मुझे शाम तक खड़ा रहना पड़ेगा क्या चेयर में इस टाइप के सबको परेशान करके रखे अंकल पोटगर ने है ना द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट और अंततः जो है फाइनली एट लास्ट मतलब फाइनली नेल मिल जाता है बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर और जब तब तक ये हैमर घुमा देते हैमर कहाँ रख देते उन्हें भूल जाते कि मैंने हैमर कहाँ रखा है अभी है ना और फिर क्या होता है और फिर वो कह रहे हैं वेयर इज़ द हैमर वो क्या कह रहे हैं अरे हैमर कहाँ गया वॉट डिड आई डू विद इट विद द हैमर मैंने हैमर के साथ क्या किया भाई मैंने कहाँ रखा हैमर ग्रेट हैमर पूरा सन्नाटा छा जाता है ना सेवन ऑफ यू और क्या कह रहे हैं तुम सात के साथ लोग हो गेपिंग राउंड हियर आस पास का ग्रुप बना के खड़े हो एंड यू डोंट नो और आपको पता ही नहीं है वाट डिड आई डू विद द हैमर कि मैंने हेमर के साथ क्या किया मैंने कहा रखा तुम्हें पता ही नहीं सातों के साथों को तुम यहीं तो हो ना ऐसा वो कह रहे हैं ठीक है वी वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम हम सबको हैमंड हैमर ढूंढना होगा वी वुड फाइंड हमें ढूंढना पड़ा है ना वी वुड फाइंड मतलब हमें ढूंढना पड़ा हैमर फॉर हिम उनके लिए एंड देन ही वुड हैव लॉस्ट साइट ऑफ़ द मार्क ही पुट ऑन द वॉल साइट मतलब जगह भूल गए है ना ऑफ द मार्क उस निशान की वो जगह भूल गई कि वो निशान उन्होंने कहाँ लगाया था ही पुट ऑन द वॉल जहां पर खिला ठोका जाना था किल लगाई जानी थी वो मार्क वो निशान की जो जगह थी वो साइट ही भूल जाते हैं ठीक है वेयर द नेल वॉश टू गो इन अरे हिला कहाँ ठोका जाना था एंड ईच वन ऑफ अस हैड टू गेट अप ऑन द चेयर बिसाइड हिम उनके बाजू में हम सबको दूसरी एक चेयर लगा के खड़े होके बारी बारी से देखना पड़ रहा था है ना एंड वी कि वो कहाँ पर निशान लगाया था इन्होंने है ना खिला ठोकने के लिए वो सब देखना पड़ रहा था एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट और हम सबको ये मिला डिस्कवर मतलब ये जो निशान मिला इन अ डिफरेंट प्लेस अलग अलग जगह पर हम सबको ये निशान मिलता गया एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल और वो हम सबको क्या बोल रहे थे बेवकूफ बोल रहे थे वन आफ्टर अनादर एंड टेल अस टू गेट डाउन हम सबको एक के बाद एक के बाद हमको फूल फूल बेवकूफ बोलते जा रहे थे और क्या कर रहे थे वो एंड टेलस और हमसे कह रहे थे टू गेट डाउन तुम नीचे उतर जाओ है ना देन ही वुड टेक द रूल और उन्होंने फिर क्या किया उन्होंने एक रूल लिया स्केल लिया एंड रीमेजर और फिर से मेजर किया कि कहाँ पर स्पॉट मैंने मैंसन किया तो उसको रीमेजर कर रहे हैं एंड फाइंड दैट ही वॉन्टेड हाफ थर्टी वन एंड थ्री इंचस थ्री एट एट इंच फ्राम द कॉर्नर कॉर्नर से इसकी जो दूरी थी इस पॉइंट की है ना एक कॉर्नर से कितनी दूरी थी वो हाफ थर्टी यानी थर्टी एंड हाफ और थोड़ा सा थ्री इंच ज़्यादा है ना कॉर्नर से इसकी दूरी थी इस स्पॉट की एंड वुड ट्राई टू डू इट इन हीज हैड एंड गो मेड और अपने सर से अपने हेड की मदद से वो इसे मेजर करने की कोशिश कर रहे थे अपने हेड के लेवर से एंड गो मेड और थोड़े से पगला गए थे ठीक है आगे क्या हो गया एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन अवर हेड और हम सबको भी करवा रहे थे काम और अपने हेड से मेजर करो भाई कि क्या दूरी थी है ना पहले चेयर्स उधर लगाओ फिर ऐसा चलते चलते आओ और उसी लेवल पे तुम लोग इतनी दूरी मेजर करो ऐसा वो कह रहे थे है ना तो हमने भी मेजर की एंड अराइव द डिफरेंट रिज़ल्ट और सब हम सब के जो रिज़ल्ट थे अलग अलग थे है ना अलग अलग स्पॉट मिल रहा था हमको उसका नेल का एंड स्नियर एट वन अनादर स्नियर का मतलब उपहास और एक दूसरे का हम सब उपहास कर रहे थे मजाक कर रहे उड़ा रहे थे है ना

ही वुड यूज अट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम और इस बार वो क्या करते हैं थोड़ी सी स्ट्रिंग यूज करते हैं रस्सी का यूज करते हैं ना थोड़ी सी रस्सी यूज करते हैं इस बार एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट और एक ऐसा क्रिटिकल मोमेंट आता है वैन द ओल्ड फूल ये जो एक यानी ज्यादा उम्र के जो फूल इंसान है बेवकूफ इंसान है वो ऑज लीनिंग ओवर लीनिंग ओवर का मतलब होता है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाने जैसे चेयर रखी हुई है ना और चेयर पर इस टाइप से थोड़ा सा झूल रहे हैं ऐसे टेढ़े हो रहे हैं वो लोग ऐसे चेयर पे ऐसा है ना ये कॉर्नर है है ना देखो समझ आ रहा हूँ ये वॉल है ये इसका कॉर्नर है और ये चेयर है तो चेयर पे अंकल पोडलर ऐसे खड़े हैं मान लो तो इस तरफ वो झुक रहे थे है ना ताकि यहाँ से कुछ मेजर कर सकूँ स्केल से मैं स्पॉट को इस तरह से ऐसा कुछ मेजर कर रहे हैं और क्या होता है लीन मतलब थोड़े से झुक जाते हैं चेयर से देखो समझ में आएगा ना लीनिंग ओवर है वेन द ओल्ड फूल वॉज लीनिंग ओवर द चेयर चेयर पर थोड़ा सा लीन करने लगते थोड़ा सा झुकने लगते हैं एट एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल पर इतना टेढ़ा वो झुक जाते हैं एंड ट्राइंग टू रीच एट पॉइंट और उस पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं थ्री इंच बियॉन्ड वॉट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू रीच बियॉन्ड का मतलब दूर उससे भी दूर तीन इंच दूर पहुंच जाते हैं वो थोड़ा सा जहां पर पॉसिबल था पहुंचना उससे भी तीन इंच ज्यादा दूर वो पहुंच जाते हैं द स्ट्रिंग वुड स्लिप जिससे उनके हाथ से वो स्ट्रिंग जो होती है वो स्लिप हो जाती है है ना स्ट्रिंग जो रस्सी होती है वो स्लिप हो जाती है एंड डाउन ही वुड स्लाइड और नीचे वो फिसल जाते हैं ऑन टू दियानो पियानो के ऊपर अ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बींग प्रोड्यूस्ड एक बहुत ही अच्छा म्यूजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है कि किस वजह से होता है बाय द सडननेस विद विच हिज हेड एकदम अचानक से सडननेस मतलब अचानक से विद विच क्योंकि उनका जो हेड है सर है एंड बॉडी उनकी जो बॉडी स्ट्रक मतलब टकरा जाती है ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम एक ही समय में पूरी नोट्स मतलब जितनी भी पियानो की जो बटन है ऐसी जो नोट्स है ना उनमें एक साथ टकरा जाती इस वजह से क्या होता है एक बहुत ही अच्छा एक म्यूजिकल इफेक्ट सुनाई देता है, निकलने लगता है ठीक है एट लास्ट और अंत में क्या होता है अंकल वुड गेट द स्पॉट स्पॉट फिक्स उन्हें फिर से उस को करना पड़ता है ढूंढना पड़ता है ठीक है फिर क्या हुआ पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट देखो फिर क्या करते हैं स्पॉट मिल जाता है फिर जो नेल का जो पिछड़ा जो नुकीला हिस्सा है उसको क्या करते हैं वो पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट उसके ऊपर वो रख देते हैं स्पॉट के नीचे जहां पर खिला ठोका जाना है विद हिज लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड से पकड़ के एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड और राइट right हैंड में हैमर को पकड़ लेते हैं विद द फर्स्ट ब्लो और पहली बार जैसे वो मारते हैं ब्लो करते हैं है ना हथौड़ा मारते हैं हैमर से ही वुड स्मैश हिज थम वो अपने थम को ही चोट पहुँचा देते हैं चूर चूर कर देते हैं है ना अपने थम को स्मैश कर देते कुचल देते हैं उससे है ना हैमर uh, से एंड ड्रॉप द हैमर और विद अ येल और बिल्कुल येल के साथ चिल्लाते हुए है हैमर को नीचे छोड़ देते हैं गिरा देते हैं कहाँ गिरा देते हैं भाई ऑन समबडीज टूज टूज का मतलब होता है पैर की उंगली किसी के पैर की उंगली के ऊपर वो गिर जाता है ठीक है आगे क्या होता है आंट मारिया वुड माइल्डली ऑब्जर्व दैट जो उनकी वाइफ है आंट मारिया वो ये सारी चीज को माइल्डली माइल्डली मतलब शांतिपूर्वक देख रही थी और क्या कहती वो और क्या सोच रही वो नेक्स्ट टाइम दैट अंकल पोडलव वॉज गोइंग टू हैमर अ ने नू द वॉल अगले बार जब ये अंकल पोडगर ये दीवार में कोई खिला ठोकने वाले रहेंगे ना तो क्या बोल रही है ही वुड लेट हर नो इन टाइम तो उन्हें मुझे बता देना चाहिए नहीं उन्हें उस आंटी को बता देना चाहिए इन टाइम समय रहते समय से पहले ही बता देना चाहिए ऐसा कुछ करने वाले रहेंगे तो सो दैट ताकि सी कुड मेक अरेंजमेंट ताकि आंटी क्या कर सके अरेंजमेंट कर सके टू गो जाने का एंड स्पेंड अ वीक विद हर मदर वाइल्ड इट वॉज बिंग डन ताकि वो जाने का अरेंजमेंट कर सके और एक सप्ताह बिता सके अपनी मम्मी के साथ वाइल्ड इट वॉज बिंग डन जब तक कि इनका ये काम नहीं हो जाता तब तक तो वो क्या कर सके अपनी मम्मी का पास एक सप्ताह बिता सके यानी वो एक मजाक उड़ा रही है उसको ऐसा लग रहा है छोटे से काम में इतना समय लग रहा है तो अगले बार से ऐसा कुछ करना रहेगा तो मुझे पहले ही बता देना ताकि मैं एक सप्ताह तक अपनी मम्मी का एंजॉय करके आ सकूँ। जब तक कि तुम्हारा काम हो जाए उस दौरान ऐसा वो कह रही है oh, you women! है ओ यू ना आप अंकल आप बताइए अंकल पोड पोटगर क्या बोलते हैं ओ यू यूमन तुम लेडीज है ना यू मेक सच अ फस तुम सब गड़बड़ कर देती हो ओवर एवरीथिंग हर चीज में तुम लोग गड़बड़ कर देते हो ऐसा कह रहे हैं ना अंकल पोटगर वुड रिप्लाई इस तरह से अंकल पोटकर इस बात का रिप्लाई करते हैं पिकिंग हिमसेल्फ अप और खुद को ऊपर खड़े हो जाते हैं वो है ना पिकिंग हिमसेल्फ अप का मतलब वो खड़े हो जाते हैं थोड़ा सा झुक गए थे दर्द की वजह से वाइल आई लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब ऑफ दिस सॉर्ट जबकि पिकिंग हिमसेल्फ अप मतलब थोड़े खड़े हो जाते हैं और फिर क्या कहते हैं जबकि वाई आई लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब फॉर दिस सॉर्ट और मैं क्यों कर रहा हूँ ये छोटी सी जॉब है ना किस लिए कर रहा हूँ भाई है ना ऐसा वो कहते हैं ठीक है एंड देन ही वुड हैव अनादर ट्राई और उनको फिर से एक बार ट्राई करना रहता है कील को ठोकना रहता है एंड एट द सेकेंड ब्लो और दूसरे प्रहार में दूसरे ब्लो में द नैल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर और प्लास्टर के अंदर पूरी तरह से क्लीन तरीके से जो नेल है पूरी की पूरी अंदर चली जाती है एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट और हैमर भी आधा उसमें चला जाता है दीवार में हैमर भी घुस जाता है इतने जोर से वो मारते हैं और दीवार में एकदम बड़ा सा होल टाइप का हो जाता है ना आ, एंड अंकल पोडगर वुड प्रेसिपिटेट है ना एंड अंकल पोडगर वुड प्रेसिपिटेट अगेंस्ट द वॉल विद फोर्स नियरली सफिसेंट टू फ्लैट एन हीज नोस और प्रेसिपिटेट का मतलब होता है प्रहार करना मारना अंकल पोडगर वॉल को इतने जोर से मारते हैं है, है ना कि उनकी नाक भी लगभग वॉल से टकराने ही वाली रहती है और उनकी नाक फ्लैट होने ही वाली रहती है ना ऐसा इतने ज़ोर से वो प्रहार करते हैं ठीक है आगे क्या हुआ दैन वी हैड टू फाइंड द रूल एंड द स्ट्रिंग अगेन फिर हमें फिर से ज़रूरत पड़ती है एक रूल की है ना इस्केल की और स्ट्रिंग मतलब रस्सी की फिर से ज़रूरत पड़ती है फिर क्या होता है देखो एंड अ न्यू होल वुड बी मेड और एक नया होल बनाया जाता है क्योंकि पुराना जो होल था वो उसमें किला पूरा ही चले गया था है ना और हथौड़ा भी थोड़ा सा चले गया था इससे होल खराब हो गया था तो दूसरा होल क्या करना पड़ा बनाना पड़ा बनाया गया एंड एट अबाउट मिड और कम से कम आधी रात तक द पिक्चर वुड बी अप पिक्चर टंग चुकी थी वेरी crooked मतलब बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी टंगी थी इनसेक्योर मतलब ऐसा लग रहा था कभी भी गिर जाएगी सेक्योर नहीं थी द वॉल फॉर यार्ड्स राउंड मतलब एक यार्ड आसपास की जो दीवार थी लुकिंग एज इफ ऐसी लग रही थी मानो इट हैड बिन स्मूथड डाउन विद अ रैक जैसे कि उसमें कुछ डायग्राम बनाए गए हो है ना क्रैक्स बनाकर उसमें कुछ स्मूथ किया गया हो उसे अच्छा बनाया गया हो है ना डायग्राम टाइप का कुछ बन गया था उसमें है ना एंड एवरीबडी डैड बीट और सबके सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे एंड रैज मतलब परेशान हो चुके थे एक्सेप्ट अंकल पोटगर अंकल पोटगर को छोड़कर ठीक है बाकी सब बिल्कुल परेशान और वो हो चुके थे थक चुके थे दे आर यू आर और वो क्या बोलते हैं अरे हम पहुंच गए हमने कर दिया हमने कर दिखाया है दे आर यू आर है ना ही वुड से वो कहते हैं चले हमने तो कर दिया है ना स्टेपिंग हैविली ऑफ द चेयर स्टेपिंग स्टेप ऑफ का मतलब होता है उतर रहे उतर रहे थे बिल्कुल भारी भरकम तरीके से है ना जैसे कि बड़ा भारी काम करके निकले हो गए है ना चेयर से उतरते हुए ऐसा कह रहे हैं है ना ऑन टू द चार वुमन्स कॉर्न और वो क्या करते हैं चार मुहना मतलब जो काम वाली जो भाई है उसके कॉर्न मतलब उसके घाव की तरफ वो देखते हैं ना पैर की उंगली में जो घाव था उसको कॉर्न बोलते हैं एंड सर्वेइंग और चेक करते हैं सर्विइंग का मतलब होता है चेक करना द मैस वो ग, उस अपनी गड़बड़ को पूरी की पूरी चेक करते हैं ही हैड मेड विद एविडेंट प्राइड जो उन्होंने अभी अभी की थी है ना एविडेंट प्राइड का मतलब होता है बिल्कुल क्लियरली एविडेंट प्राइड मतलब जो उनके अंदर एक प्राइड दिख रहा था घमंड दिख रहा था उस घमंड के साथ वो इस चीज को देख रहे थे और क्या कहते पता है वाई सम पीपल वुड हैव हैड अ मैन इन टू डू अ लिटिल थिंग लाइक दैट क्यों कुछ लोग वुड हैव हैड अ मैन उस आदमियों का सहारा लेते हैं मैन का सहारा लेते हैं इन टू डू करने के लिए अ लिटिल थिंग इस टाइप की छोटी चीजें लाइक दैट है ना इस टाइप की छोटी चीजें करने के लिए मैन की जरूरत क्यों पड़ती इंसानों की जरूरत क्यों पड़ती इसको तो कोई भी कर सकता है बच्चा भी कर सकता है कोई लेडी भी कर सकती ऐसा है ऐसा आखिरी में वो कहते हैं तो काफी फनी स्टोरी थी ये है जेरोम के जेरोम ने इसे लिखा हुआ है अगर आपको वीडियो पसंद होगी तो इसे लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपने वीडियो पूरी देखी है या नहीं देखी थैंक यू वेरी मच